हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका चारों भाई डीजे भाई यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी हम लोग चल दिए हैं घूमने के लिए एक जगह, गेहूं लाद के चलना है। नैनी अगर वहां पे बुलाए हैं, चलते हैं। सबसे पहले शीशा साफ करते हैं, देखिए इसमें इतना गर्दा जम गया कि कुछ लिख दो तो वो लिख जा रहा है। तो आइए इसको कपड़ा ढूंढते और फटाफट साफ करके चलते हैं जिल्ला करके एक स्थान है, वहां से लाद के नैनी के लिए, और वहां पे चलते हैं। पता नहीं लादना है कि नहीं लादना, वो कल कहे थे, तो अभी चलते हैं सुबह सुबह और देखते हैं क्या होता है। अपने गाड़ी का कपड़ा कहीं भूल गए हैं तो एक ये टी शर्ट मिल गई, इससे फटाफट साफ करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्लीन हो रहा है, घर घर का सफा हो गया है। आज गाड़ी को धोएंगे शाम तक में, दोपहर तक में, कभी भी टाइम मिल गया तो। जब भाड़ा नहीं रहेगा तो इसको साफ करेंगे। अपने टंकी में पानी भर गया है, क्लीन करके जो है इसको बढ़िया से पॉलिश वॉलिश करके नया बनाना है। तो इतना साफ कर देते, बाकी आगे चल के आएंगे तो सफा करेंगे। भाई चलने से पहले हम ध्यान देते हैं, देखिए इसमें बकरी का बच्चा घुसा हुआ है, हट चल निकल, क्या देख लो। अगर ध्यान नहीं देते, गाड़ी स्टार्ट कर देते तो इसकी अभी चटनी बन जाती, तो हमें दिक्कत हो जाता, हट। तो इसको निकाल दिए हैं, इसीलिए हम स्टार्ट करने से पहले, चल हट। स्टार्ट करने से पहले गाइस अच्छे से हर चीज़ देख लेते तभी स्टार्ट करते, क्योंकि आप बकरी और बच्चे लोग खेलते वेलते रहते हैं तो दिक्कत हो सकती है। नैनी वाला अगर भाड़ा का कैंसिल अगर किसी कारण से हो जाता है तो हम लोग चलेंगे सीधा जो है, एक लोग का ईंटा लादना है 300, वो भी फ़ोन किए थे मगर हम उनको बोल दिए थोड़ा रुक जाइए, हम जा रहे हैं गेहूं लादने के लिए। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी हम लोग घर से जो है चल दिए हैं, और आप देख सकते हैं अपने चरवा चौराहा मार्केट पर आ चुके हैं। और सुबह सुबह देखिए कोई भीड़ नहीं है, लेकिन और सुबह आते अगर 5 बजे के आसपास यहाँ खोआ जो है, खोया मंडी लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है सुबह पहर। यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है धंधा पानी हो जाता है। और फिर उसके बाद अब जो है दोपहर को होगा, दोपहर के बाद यानी कि 3-4 बजे के आसपास जो है अच्छी भीड़ लगेगी। तो ये चल दिए हैं हम लोग, हमारे गांव रोड है इधर, रामलीला स्टेट जो बोलते हैं चरवा वहाँ पे। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से बस लेफ्ट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर में भैया जी का घर है। तो ये कुछ देखिए चरवा के अंदर का गांव का व्यू है, रामलीला स्टेट के पास का। तो अभी हम ये देखिए ट्रांसफार्मर सब रखा है, उन्हीं का है, भैया जी का। और ये वाला सामने जहाँ खम्बा दिख रहा है यही घर है। अब मुझे तो लगता है ऐसा ना हो कि कहीं मना कर दे कि अभी नहीं जाएगा, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था बातों से, लेकिन फिर भी सुबह सुबह भाड़ा नहीं था, हम कहे चले चलते हैं, कुछ काम ही हो जाएगा। हाँ, और लंबा भाड़ा भी है दूर तक, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, और आपको एक बार सामने का यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो देख लीजिए कुछ यहाँ ट्रैक्टर टाली और ट्रांसफार्मर रखे हुए, और ये भैया जी का घर है, यहाँ पे गाय और ये सब बंधी हुई है, देख सकते हैं। अब आइए अंदर चलते हैं और खटाखट से इनको बुलाते हैं, अगर कोई आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओ भैया जी, कोई है? डीजे बोल रहे हैं गाड़ी वाले, आपका कुछ लेके जाना था क्या? नैनी गेहूँ 6 बोरी बोले थे आपके पिताजी हैं कोई, तो चलिए फटाफट से गाइस जो है भाई आपको गेहूँ लेके जाना है क्या? गाइस यहाँ पे जो है काफ़ी 15-20 मिनट हो चुका हूँ, वेट कर रहा हूँ, फ़ोन कर दिया है, और अभी गाड़ी कुर्सी दे दिया भैया जी ने, यहाँ पर बैठा हूँ। और बोले हैं कोई जो है फ़ोन करके किसी को भेज देता हूँ तो वो लाद देंगे, तो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है और इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे लगता है फिर हम लोग निकलते हैं सफ़र पर। पे गेहूं लादने आए थे हम लोग, वेट कर रहे हैं कम से कम आधा घंटा क्या 40 मिनट तक हो चुका है, लेकिन अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। बोले फ़ोन करके मैं करता हूं, लेबर भेजता हूं, और इधर 2 भाड़ा मैंने इसके चक्कर में छोड़ चुका हूं। अभी एक और भाड़ा आया सीमेंट लादने के लिए, 15 बोरी है, सजिया करके एक गाँव वहाँ जाएगा, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। तो मैं सोचा चलो यहाँ बैठने से अच्छा कुछ काम कर लेते, नहीं ये भी मना कर दिए तो न घर का न घाट का रहूँगा। तो चलिए गाइस फटाफट से यहाँ से चलते हैं, बाद में जो भी होगा इनका गिराना होगा तो गिराएंगे, नहीं जैसे वो देख लेंगे। अभी जो है हम लोग गेहूं लादने वाले थे, लेकिन भाई साहब ने कॉल करके हमको बुला लिया, और इनका 15 बोरी सीमेंट और एक तखत जो है लाद के इनके जो है सजिया गांव में लेकर के आ गए हैं। इसको फटाफट से खाली करके फिर हम लोग जो है चलते हैं लौरे चरवा वापस, और यहां से भाड़ा किराया जो है सुबह सुबह बोनी करके लेते हैं। तो बने रहे गाइस ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो गाइस यहाँ पे जो है सीमेंट हमने उतार दिया है, और भैया जी ने भाड़ा हमें दे दिया है 150 रुपये, ये देख लीजिए अभी रखे हैं और बोनी किए गाइस। और यहाँ से हम लोग अब सीधा चलते हैं गेहूं लादने के लिए, और ये लोहा इधर पड़ा इसको भूल गए, इसको तो अभी लगाना है गाड़ी के अंदर। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से उठाते हैं, काफ़ी वजन है, 10-15 किलो तो होगा ही, इसको फिट करते हैं और सीधा चलते हैं चरवा घर पे। थोड़ा पानी वानी पियेंगे, कुछ अगर खाना पीना बना होगा तो खा के अब डायरेक्ट तभी निकलेंगे यहाँ से, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। और समय देख लेता हूँ एक बार गाइस,
तो यहाँ पे टाइम 8:30 बज चुका है और मैं 6:30 बजे घर से निकला था, लेकिन एक ही भाड़ा कर पाया, एक मीटर लादने का आया था वो तो लादा ही नहीं। तो चलिए फटाफट से दोस्तों आगे मिलेंगे, अभी ब्लॉग में बने रहें। फाइनली गाइस घर गए हैं, गेहूं गिराने का था जो ले जाकर नैनी में, वो भाड़ा कैंसिल हो गया और घर पे जाके खाना पीना खा के और आराम कर रहे थे, तभी एक भाड़ा आ गया 200 रुपये में लेके जाना। यहाँ पे 8 फुटा फार्मा है, 10 पीस लेके जाना है। देखिए अपने दोस्त लोग लाद रहे हैं, एक बार दर्शकों से हाय कर दीजिए। हाय। हाँ देखो कितना जो है मेहनत कर रहे हैं तब जाके हाय बोले हैं, इनको 100 रुपये देते तो तुरंत बोलते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से इसको लाते हैं और फिर इसके बाद जो है ये भाड़ा करने के बाद देखते हैं दूसरा कौन सा भाड़ा आता है, नहीं तो फिर आराम करेंगे दोपहर में, गर्मी का समय है। और फिर आगे मिलेंगे आप लोगों से, बने रहें ब्लॉग में, जैसा भी होगा पूरा अपडेट आपको ब्लॉग के माध्यम से आपका डीजे भाई देता रहेगा। गाइस हमें जो है एक खेप फार्मा नहीं आ पाया था, तो गाइस फार्मा जो है हम लाद के लेके आए 5-5 2 खेप में। और देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, ये चरवा मनौरी की तरफ ये रोड जाती है और ये चरवा चौराहे की तरफ, तो चरवा चौराहे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है 2 खेप, यानी कि 100 रुपये खेप पड़ गया है। इसको अभी अगला खेप लेके आएंगे, गिराएंगे फटाफट और इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो चलिए बने रहे गाइस, भाड़ा मिलता है उसके बाद आप लोगों को ब्लॉग दिखाते हैं। चलिए गाइस अभी जो है हम एक पहला खेप लेके आ चुके हैं और अभी खड़े हैं हम सजिया गांव के पास, ये मनौरी की तरफ जाती है और ये चरवा चौराहे की तरफ। तो यहां से 1 किलोमीटर ये देखिए सामने घर बन रहा है कुछ, यहां मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊं, तो ये देखिए चारों तरफ का व्यू है। हाँ भैया, हाँ और ठीक है, चलो ये देखिए अपने भाई लोग जा रहे हैं, तो कुछ ये सामने का व्यू है। और चलिए फटाफट से दूसरा खेप भी लेके आते हैं, उसके बाद भाड़ा लेते हैं, फिर आप लोगों को ब्लॉग दिखाते हैं। गाइस अभी बच चुके हैं 11 और दोनों खेप फार्मा गिराने के बाद गाइस यहाँ पे हमें जो है 200 रुपये ये भाड़ा अपना जो है भैया जी ने 200 रुपये दे दिया है और इसको हम रखते हैं गैस साइड में। और काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है गाइस, पंखा यहाँ पे एक व्यवस्था करेंगे लगाने के लिए, घर पे पड़ा है, पिछले साल लगाए थे निकाल दिए थे। तो ये देख लीजिए अभी घर के पास हम वापस आ चुके हैं अपने जो है, यहाँ से 100 मीटर पे अपना घर है। तो चलिए वहीं पे गाड़ी खड़ा करते हैं और देखते हैं कोई भाड़ा आता है तो उसे भी कंप्लीट करेंगे और ब्लॉग भी दिखाएंगे। तो चलिए बने रहेगा इस ब्लॉग में, आप लोगों से मिलते हैं आगे। इस यहाँ पे मैं जा घर पे गया फार्मा गिराने के बाद आराम कर रहा था, तभी एक भाड़ा और आ चुका है मनौरी से, 22 बोरी चूनी लेके चरवा आना है और हम चल दिए हैं अभी सजिया गांव के पास में है इस समय। और देखिए मनौरी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, यहां से 7 किलोमीटर मनौरी की दूरी है। और चलिए वहां से लाट के फटाफट आएंगे, गोरे महाजन करके एक है चरवा के, उनकी दुकान पर जाएंगे गाइस। तो बने रहे ब्लॉग में, चलिए चलते हैं, तेज धूप है और 1 बज चुका है दोपहर के। गए घर पे पानी वानी पिया और साथ में एक बोतल पानी इसमें लपेट के रख भी लिया है गाइस। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में, आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग 3 किलोमीटर और आ चुके हैं अभी, और इस जगह का नाम पहाड़पुर है जिस स्थान से हम चल रहे हैं। और काफी तेज धूप है और खिड़की खोलता हूँ तो एकदम गर्म हवा आ रही है, क्योंकि दोपहर के 1:30 बज रहा है इस समय, तो एकदम तापमान ऐसा लग रहा है कि 40 डिग्री के आसपास या 45 डिग्री लग रहा है और फुल गर्मी है गाइस। 2 महीने बहुत गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में, और कोई भी इस समय आपको खेतों में नहीं दिखेगा गाइस, एकदम सन्नाटा में आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देख लीजिए पूरा खेत हमारे यहाँ गेहूँ कटता है और इस समय खेत में कुछ नहीं है, भिंडी और जो है इसके साथ पशुओं की चरी और क्या बोलते हैं जो टमाटर और छोटे मोटे हरी फल फूल की सब्जी है, बाकी से वो एकदम खेत खाली है गेहूँ कटने के बाद। और बारिश होने की संभावना कल बनी थी लेकिन मौसम साफ हो गया था गाइस, तो कोई बात नहीं है, चलिए फटाफट से यहाँ से तेजी से निकलते हैं गाइस, जल्द से जल्द पहुँचे क्योंकि गर्मी काफी लग रही है और आके आराम करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम मनौरी में आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे जो है चूनी लद रहा है अपनी गाड़ी में, ये देख लीजिए गाइस मनौरी का कुछ मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। ये इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ जाती है रोड और ये वाला जाता है गाइस कौशाम्बी की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाद रहे हैं और कितना बोरी लग चुका है गाइस, मैं गिनती भी नहीं किया हूं, तो देखिए कहीं एक आध कम न हो जाए, नहीं इसका अपने ही माथे जाएगा। तो आइए इसको फटाफट से गिनती मार लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे इसको ब्लॉक को बढ़ाते हैं। तो टोटल यहां पे 22 बोरी लगना है गाइस और सामने वाले में 9 बोरी कर देंगे और पीछे जो है 9, उसके बाद 4 जो है इधर कर देंगे, तो 18 2 22 हो जाएगा 4। और काफ़ी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है इस समय, सूरज एकदम जो है आसमान एकदम नीला है और एक भी बादल नहीं छाए हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत तेज़ है। और 4 रुपये बोरी के हिसाब से जो भाई साहब लोडिंग कर रहे हैं उन्होंने लिया है, तो 80 रुपये उनको लोडिंग देंगे और अपना भाड़ा लेंगे। तो चलिए गाइस बने रहे ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं आपको। तो
फाइनली गाइस अभी हम लोग जो है चोकर लाद के मनोरी से बाहर आ चुके हैं। एक बार आइए देख लेते हैं कहीं कुछ गिर रहा है, गिर तो नहीं रहा है, नहीं फिसल जाएगा तो फिर इसका पैसा हमको ही भरना पड़ेगा गाइस। तो ये देखिए अभी हम चरवा की तरफ चल दिए हैं और गाइस इस साइड से हम आए थे मनोरी की तरफ से। और एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए क्या बेहतरीन लोकेशन है गाइस, चारों तरफ हरे हरे एकदम मस्त पेड़ दिखाई दे रहे हैं गाइस। अभी जहाँ पे खड़े आम का पेड़ है, बहुत बड़ा छाँव दिखी इसीलिए हम खड़े हो गए, हम कहीं देख भी लेते हैं। अब यहाँ से 7 किलोमीटर चारों बचा है, नॉन स्टॉप चलेंगे गाइस। और उससे पहले मैंने एक बोतल पानी लेके आया था, आइए पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद ही आगे निकलते गाइस। इसमें फ्रिज का पानी ये मैंने रुमाल में लपेट लिया था, तो ये देखिए। तो गाइस अभी मैंने ये फ्रिज का पानी एक बोतल लाया था, इसको आइए पीते हैं सबसे पहले। तो गाइस ये देखिए एकदम ठंडा पानी है, अभी घर से लेके आए थे लपेट करके। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है लेकिन पानी अभी भी एकदम ठंडा है, जैसा लेके आए थे फ्रिज से वैसा ही, क्योंकि एक पीछे रखा हुआ है, इस कपड़े में अच्छे से लपेट के रखे थे। तो आइए पानी को पीते हैं गाइस और सीधा यहाँ से निकलते हैं हम लोग, बने रहे ब्लॉग में। ये देखिए अपना रूट है और खाली रोड है, बहुत जल्द पहुँचेंगे, तो बने रहे गाइस, चलिए मिलते हैं अब डायरेक्ट चरवा में। यहाँ पे अभी 1:30 बज चुका है और हम आके अपनी गाड़ी चरवा में लगा दिए हैं गाइस। ये देखिए चरवा चौराहा इस साइड में है और ये वाली अर्धकपुरवा के लिए रोड गई हुई है, उसी रोड पे ये दुकान है गाइस। तो उतार रहे हैं फटाफट से, देखिए अच्छे से लगा दिए हैं और रस्सी उस्सी खोल के यहाँ फेंक दिए। अभी भाई लोग आते हैं इसको पकड़ के और जो है इस शटर के अंदर रखेंगे। तो चलिए बने रहे गाइस, फटाफट से इसको खाली करते हैं और चलते घर पर आराम करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से ब्लॉग में, बने रहे आगे। तो गाइस यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी जो है फंस गई थी, जो है काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद फुल स्पीड लगा के निकाला तो निकल तो गई थी। ऐसा ही एक आदमी जो है बेरुआ करके एक गाँव, तो वहाँ पे पूरी ताकत से निकाल रहा था गाइस, तो उसका क्या हुआ, जो पहिया नचाने वाला तो वो टूट के बाहर निकल गया। तो मैं भी ऐसे ताकत तो लगा दिया लेकिन गाइस जो है थोड़ा डर रहा, बाद में सोच रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं अपना ही घाटा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अभी नाली उस साइड में खुंदी जा रही है, इस साइड भी नाली बन जाएगी तो दोनों तरफ रास्ता सही हो जाएगा गाइस, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से गाइस इसको उतारते हैं और उसके बाद आगे मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहें। तो गाइस यहाँ पे अभी 3 बज चुके हैं और हम चरवा से टाटा करके एक गाँव है वहाँ पे लेके आए थे पतुरा 10 फुटा 8 पीस, और गाइस 200 रुपये में लेके आए थे। और काफ़ी तेज़ धूप है इसलिए मैं गाइस यहाँ पे रुक के थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। और अपने ये पूरा जो है टीन का है गाइस, इसमें बोरा बांधने के है, गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमको गर्मी इतना ज़्यादा ना लेने लगता है कि गाइस जो है इसको हम मतलब रोक दें। और ये देखिए गाइस यहाँ पे एक कोई चिड़िया मिट्ठू मारा हुआ है, देख लीजिए प्यासा था शायद पानी की वजह से कैसे मर गया, तो आप देख सकते हैं गाइस ये कितनी बुरी स्थिति है जो जानवरों के लिए, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक पता नहीं, अभी मैं ऐसे ही आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखा रहा था तभी ये मुझे दिख गया गाइस। चलिए आराम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा लग रही है और काफ़ी बड़ा बगीचा महुआ का है जिसकी वजह से यहाँ एकदम मौसम ठंडा है। और गाइस इधर देख लीजिए ये मूंग की खेती है, कम से कम 5-6 बीघा में बोई हुई है और बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, एकदम हरा हरा गाइस। तो चलिए बने रहें गाइस ब्लॉग में और आगे चल के जो भी अपडेट होगा आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस, तो बने रहें ब्लॉग में। और गाइस इसको जो है हम कहीं और हटा देते हैं, तो चलिए बने रहें गाइस ब्लॉग में, आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस वहाँ पे थोड़ा आराम करने के बाद मैं और आगे 1 किलोमीटर आ गया है, मुझे एक यहाँ पे ऐसा पेड़ दिखा गाइस जिसमें इतना ढेर सारा बेल लगा हुआ कि आप देख सकते हैं, और कितना ज़्यादा एक तरफ से लपेटा हुआ है और सब पके हुए हैं, इधर से सूरज की रोशनी इसलिए दिख नहीं रहा गाइस अच्छे से, सब ब्लैक कलर में आ रहे होंगे, लेकिन आप ये देख लीजिए बहुत ढेर सारा बेल जो है और बहुत ही ठंडा होता है खाने में, इसकी तासीर कहते हैं, अगर इसको खाओ तो गर्मी नहीं लगती शरीर में। तो गाइस कुछ ये व्यू है बहुत ज़्यादा है, एक ही पेड़ है कम से कम, नहीं तो 1,000 जो इसमें फल लगे हैं गाइस, तोड़ने का मन कर रहा है, दोपहर है कोई है भी नहीं है, सोच रहा हूँ तोड़ू क्या, लेकिन बगल में वहाँ पे 2-4 लोग काम लगाए हैं तो ये देखिए देख रहे हैं, बाबा आ रहे हैं उधर से टहलते हुए, तो इसलिए नहीं तोड़ेंगे। और चलिए बने रहें ब्लॉग में और आगे आप लोगों से मिलते हैं हमें। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी है और मैं चौराहे की तरफ चल रहा हूँ, 5 बज चुका है, चल के कुछ खाते पीते बर्दाश्त नहीं हुआ तब घर से बाहर निकला हूँ और गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एक दुकान है अपना, यहाँ इंगल टूटा है गाड़ी को, उसको भी जुड़वाए नहीं आएंगे। तो चलिए पहले खा पी के फिर आते हैं जो है आगे काम करते हैं, तो बने रहें गाइस ब्लॉग में। और ये चौराहे का व्यू है। तो गाइस मैं थोड़ा आगे आया तो मुझे याद आ गया अमेजोन से मैंने जो पे लेटर से रिचार्ज किया था 300 का, उसको भी पेटीएम में पैसा नहीं डलवा के जो है उसका भी काम करना है गाइस, ताकि आज लास्ट डेट है 5 तारीख को, तो
तो चलिए यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं गाइस, बने रहे हैं चौराहे पे, आ गए हैं कुछ खाते पीते और फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे, बने रहे ब्लॉग में गाइस। यहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं और ये भाई साहब हमारे काफ़ी बढ़िया बनाते हैं, आप लोग आए हैं हमारे जितने भी दर्शक हैं। ओ भाई देखिए भाई लोग कैसे खा पी रहे हैं। तो अभी हमने राइस का ऑर्डर दिया है और खा के यहाँ से चलते हैं आगे, अपनी गाड़ी में एक भाड़ा आया है तो उसको लोडिंग करेंगे, बने रहे ब्लॉग में। गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम चरवा गांव के एक प्लाटिंग वाला इलाका जो है बैंक के पास वहां पे हैं और यहां गेहूं लादने के लिए आए हैं। सिरसी करके एक गांव है, 1 किलोमीटर की दूरी है और 200 रुपये में भाड़ा तय किए हैं, तो वहां पे जाना है। और देखिए बच्चे लोग यहां पे जो है कांग्रेस का जो बड़ा बड़ा चिन्ह वाला लगा था उसको तोड़ के कैसे ले के भाग रहे हैं। तो इनको अभी जो है शिकायत कर देखिए और किडनैप करके जो है जेल में बंद करिए। तो चलिए फटाफट से बने रहें ब्लॉग में, इसको भी कंप्लीट करते हैं और जस्ट शाम होने वाली है कुछ ही देर बाद। और देखिए सामने कितना हरा भरा बगीचा है और बहुत ही मस्त है, बस प्लाटिंग हो गई, रास्ता थोड़ा गड़बड़ है, कुछ दिन में ये भी बन जाएगा। तो चलिए बने रहें गाइस ब्लॉग में, आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 7:30 और हम आ गए हैं घर और गाड़ी को खड़ा कर दिया है सिरसी में, गेहूं ले जा करके गिरा के और आ गए हैं, भाड़ा भी मिल गया है। तो गाइस ये ब्लॉग आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं आज्ञा, बाय बाय दोस्तों।